For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. My name is Dr. Amber, or I'm a gynecologist and obstetrician and infertility specialist, and I'm currently practicing on Walton Road, Defence Moor, in the clinic with the name of Amber Medical Centre, and I am also sitting in a hospital with the name of Geo Hospital at Bedia Road, Lahore. And I have done my MPBS from Fatima Jinnah Medical University in 2001, and then I did my post graduation from Gangaram Hospital and College of Physicians and Surgeons. ये मुसलमान हैं और हमें पता है कि अल्लाह ताला ने ये कहा हुआ है कि अपनी एक औरत जो है वो अपने बच्चे को पूरे दो साल तक अपने ब्रेस्ट फीड करवाए, तो ये डेफिनेटली ये सब कुछ बड़ा लॉजिकल है, क्योंकि अगर तो हम हेल्थ के हिसाब से देखें, बच्चे की हेल्थ के हिसाब से देखें, तो बच्चे को एक तो जो बच्चे की ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही पूरा कर सकता है, ठीक है। अब वो जो ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं वो गाय का दूध या भैंस का दूध नहीं पूरा कर सकता, वो गाय और भैंस के बच्चे के लिए बना हुआ है। जो अल्लाह ताला ने आपके बच्चे के लिए जो दूध बनाया है वो माँ का दूध है, जो कि पता है कि उससे उसका पेट भी ठीक रहेगा, वो उसके जिस्म के लिए ना उसमें फ़ैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की मकदार उतनी ही है जितनी एक नौ मौलूद को चाहिए, और अगर जो है वो आप दूसरा दूध इस्तेमाल करते हैं तो डेफ़िनेटली उस तरह से बच्चे के लिए नहीं, वो उसको भी कोई चीज़ ज़्यादा होगी, कोई चीज़ कम होगी जो बच्चे के किसी ना किसी चीज़ के नुकसानदेह होगी, उसको प्रॉब्लम करेगी, उसको पेट दर्द करेगी। सो माँ का दूध जो है वो डेफ़िनेटली एक तो ग़ज़ाई ज़रूरियात बच्चे की पूरी करता है, दूसरी बात यह कि बच्चे का जो मुदाफ़ती निज़ाम है, एक इम्यूनिटी है मुख्तलिफ बीमारियों से उसकी इम्यूनिटी, और वो उसके अंदर आती है, ख़ास तौर पर पहले दूध के कतरे जिसको क्लोस्ट्रम कहते हैं वो लाजमी बच्चे को देने चाहिए। बच्चे को कोई अरक, शहद, घुट्टी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए पैदाइश के बाद, उसको सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, और माँ का दूध पैदाइश के आधे घंटे के अंदर अंदर शुरू कर देना चाहिए। मेरे से अक्सर मरीज़ आके कहते हैं जी मरीज़ा का तो दूध ही नहीं उतरा, तो मैं उनसे आगे से ये कहती हूँ कि मुझे ये बताएँ कि जब अल्लाह ने बंदा भेज दिया दुनिया में तो उसका रिज़्क क्या साथ नहीं भेजा, तो जब बच्चा पैदा हो गया तो उसका रिस्क साथ ही उतर आता है। ये सिर्फ़ आपकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जो आपको नहीं पता होते मदर्स को, तो वो आप किसी बड़ी खातून से भी पूछ सकती हैं, अपनी डॉक्टर से भी पूछ सकती हैं कि आपको दूध पिलाने का वो सही तरीका आपको गाइड कर दें। और माँ को जो फ़ायदे हैं इसके, सबसे पहली बात तो ये है कि माएँ आराम से अपना मोबाइल फ़ोन जो आजकल यूज़ करती कर सकती हैं, उनको उठ के जाके फीडर नहीं बनाना पड़ता, उसी तरह लेटी हैं उठ के अपना फ़ोन भी चेक कर लिया, बच्चे को दूध भी पिला लिया, क्योंकि आजकल तो हर खातून के हाथ में फ़ोन होता है। बहरहाल ये तो एक जोक की बात हो गई है, लेकिन ये कि एक तो फ़ायदा यही है कि आपको अपना बिस्तर छोड़ के जाके गर्म नहीं करना पड़ता दूध, फीडर उबालना नहीं पड़ता, फीडर धोना नहीं पड़ता, साफ़ सुथरा दूध है जिसके में कोई इन्फेक्शन के चांसेस नहीं हैं, वो आप बच्चे को पिलाती हैं। दूसरी बात ये कि जब आप बच्चे को अपने सीने से लगाती हैं, अपना दूध पिलाती हैं, तो आपकी एक बॉन्डिंग जो बच्चे के साथ बनती है वो उसका कोई प्राइस ही नहीं है, कि वो आपके जो आप उसकी तरफ देखती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उसी तरह मदर को देखते देखते बड़ा होना शुरू होता है, उसका आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है, बच्चा ज़्यादा महफूज महसूस करता है, बहुत उसकी फीलिंग्स जो हैं वो बड़ी अच्छी हो जाती हैं, और बच्चा जो है वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फ़िज़िकली हर लिहाज से उन बच्चों से बेहतर होता है जिनको माँ का दूध नहीं दिया जाता। सो मेरी सब माओं से यही गुजारिश है कि वो बच्चे को कम से कम भी दो साल तक माँ का दूध पिलाएं, और पहले छः महीने सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध दें, उसके अलावा उसको कुछ भी ना दें। थैंक यू सो मच जी। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ मरहम के प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट करें, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।